अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, और चले अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस कंप्यूटर के अंदर 3 से 4 ऑप्शन हैं मतलब स्क्रीनशॉट लेने के। पहला ऑप्शन तो ये है मतलब लाइक आप जो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, पहले आप ये देखें अपने कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड कीबोर्ड के बटन देखें। कीबोर्ड्स में आपके पास यहाँ दिख रहा होगा ये वाला बटन, मेरे ख्याल से मेरे कीबोर्ड में ये बटन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको करना ये है कि अपने आपने दूसरे एक्सटर्नल कीबोर्ड आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप ये देख रहे हैं, ये देखें प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट, प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट पे इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके स्क्रीन कॉपी हो गई है। कॉपी होने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप पे जाना है। आपने जाने के बाद यहाँ टाइप करना है पैड, PAID पैड टाइप करना है, सॉरी पैन टाइप करना है। पैन टाइप किया आपने, उसके बाद पेन टाइप करने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी आपने कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद आपने कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे ये देखें आपकी स्क्रीन यहाँ कॉपी हो गई है। कॉपी होने के बाद आपने करना है क्या, उसके बाद आपने करना है कि यहाँ से इसको सेव कर लेना है। ये देखें मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें ये टॉप पे देखें, ये देखें मेरा माउस आपको दिख रहा होगा ये टॉप पे, ये देखें माउस मेरा आपको दिख रहा होगा। आपने इस माउस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, आपने इसको यहाँ क्लिक करना है सेव एस पे, सेव एस पे क्लिक करना है। यहाँ आपने कोई भी रैंडम नेम दे के आपने इसको करना है सेव, जिस नाम की फ़ाइल होगी। और याद रखना है सबसे पहले आपने इसको करना है JPEG फाइल पे, ये वो फाइल है जिसमें अक्सर पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। आपने यहाँ कोई भी रैंडम नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपने जैसे कि मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 टिक करके आपने इसको कहीं स्पेसिफिक जगह में आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग SS करके SS 1 2 3 3 31, ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें स्क्रीन डेस्कटॉप पे आ रहा है मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आ गया, ये देखें जो नाम मैंने लिखा था वही नाम यहाँ आ गया, ठीक है। एक तो काम ये है आपने ये करना है, ठीक है। आपने स्क्रीन मतलब कि कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है स्क्रीनशॉट लेने का, दूसरा तरीका ये है कि आपने अब इस सर्च पे आपने देखा कि नीचे जो आपको सर्च दिख रहा है सर्च का ऑप्शन टाइप टू हेयर सर्च, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ टाइप करना है स्निपिंग आपने टाइप करना है SIN, ये देखें आप जैसे ही मतलब SNI टाइप करते हैं तो आपके ये टॉप पे आ जाएगा। आपने स्निपिंग टूल्स पे आना। इस सॉफ्टवेयर की सबसे ख़ास बात यह है जो मुझे अच्छी लगती है कि आपने जो स्पेसिफिक एरिया जिस चीज़ की स्क्रीनशॉट लेनी है, जो स्पेसिफिक एरिया है आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें वो प्रेडिक्शंस नहीं है कि आपने मतलब पूरे पेज की स्क्रीनशॉट लेनी है, ऐसा कुछ ही नहीं है। लेकिन इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपने जिस एरिया की जिस जगह की आपने स्क्रीनशॉट लेनी है सिर्फ वही आपको वही मतलब वही स्क्रीनशॉट में आएगा, इसके अदरवाइज़ कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मैं आपको इसका भी यूजेज बता देता हूँ।
आपने क्लिक करना है, ये देखें आपने क्लिक करना है न्यू, न्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास पूरा पेज खुल जाएगा। आपने जैसा कि मैं यहाँ टाइप स्क्रीनशॉट देता हूँ टाइम के, ये देखें अब ये स्क्रीनशॉट आ गया यहाँ पे टाइम, जो स्पेसिफिक एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उसी सिलेक्टेड एरिया की स्क्रीनशॉट आ गई है। अब मैंने सिंपल इसको करना है कि इसको यहाँ से क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको किसी भी रैंडम नेम से इसको कर देना सेव। मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, ये देखें ये थी आपके आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।